सबसे पहले बताएं तो आपको फरीदाबाद का माहौल क्या लग रहा है? नीरज शर्मा नंबर वन कलाकार बता दिया आपको जी। कलाकारी की बात तो ये है जी, नीरज शर्मा कांग्रेस कैंडिडेट है, नगेंद्र भड़ाना कैंडिडेट है यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के जी, कोई और तो मुझे लगता नहीं मुकाबले के लिए। इन दोनों कैंडिडेट्स में चुनाव क्या समझ के चले, लखन सिंगला और विपुल गोयल? आप भी बता रहे थे कि मुकाबला पार्टियों का भी और कैंडिडेट्स का भी है। दोनों कैंडिडेट के लिए लोग कहते हैं जी कि दोनों दिखावेपन में, हाँ, दोनों छलावेपन में जी, दोनों ड्रामेपन में, हाँ, दोनों इन सब बातों में एक दूसरे से बढ़कर एक से बढ़कर एक। फरीदाबाद की सीट नंबर 90 तिगांव विधानसभा जी, नागरों में मतलब मुकाबला माने तीनों नागरों में क्या दो के बीच, दो के इंडिपेंडेंट ललित नागर और राजेश नागर भाजपा, तो रोहित नागर की चर्चा ना करें। तीसरी विधानसभा की बात करते हैं जी, तीसरी विधानसभा है बल्लभगढ़, मूलचंद और शारदा के बीच में पराग शर्मा जी एक कैंडिडेट और है। ये नहीं, पराग शर्मा मूलचंद शर्मा को कितना डेंट दे रही होंगी ब्राह्मण वोटर्स में? नहीं, वो मूलचंद को देने के साथ साथ शारदा को भी दे रही है ना। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल क्या है, स्थिति क्या है, हरियाणा की जनता के दिल में क्या है, हरियाणा क्या सोच रहा है, इसको लेकर आपसे लगातार चर्चा में रहते हैं। हरियाणा की जो 90 विधानसभा सीटें हैं वहाँ के हालात क्या बने हुए हैं, इस पर भी लेकर हम लगातार आपसे बात करते हैं। हम आपके साथ में हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीटें हैं इनमें से 9 सीटों का, 81 विधानसभा सीटों का और फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों का, यानी कि कुल मिलाकर 85 विधानसभा सीटों की बात कर चुके हैं। आज हम आपके साथ मौजूद हैं फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की 5 शहरी विधानसभा सीटें कि वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ की जनता के मन में क्या है और हालात कैसे बने हुए हैं। चर्चा में मौजूद रहेंगे मेरे साथ देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी, हरियाणा सरकार के गजटेड ऑफिसर हैं, क्लास 1 ऑफिसर थे, सेवानिवृत्त हैं और इसके साथ साथ राजनीतिक मामलों पर गहरी पकड़ है। सुरजेवाला जी आपका स्वागत है। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों की हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, हाँ जी, शहरी 5 विधानसभा सीटें हमने लोगों से बात और करनी है। ठीक है, जिन सीटों पर आज बात करेंगे वो बड़खल है, फरीदाबाद है, NIT, तिगांव और बल्लभगढ़ जी। सबसे पहले बताएं तो आपको फरीदाबाद का माहौल क्या लग रहा है? देखिए, फरीदाबाद आपने खुद ही कहा कि भी शहरी सीट जी, और जहाँ तक है शहरी सीटों पर भाजपा पीछे जो लोकसभा चुनाव रहा उसके अंदर अच्छा प्रदर्शन भाजपा का रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जरूर भाजपा पिछड़ी लेकिन शहरी सीटों पे भाजपा ने अपना दबदबा कायम रखा था जी, वो लोकसभा का चुनाव में हुआ। अब हरियाणा विधानसभा का चुनाव है, यहाँ स्थानीय मुद्दे ज़्यादा जी, लोग कैंडिडेट्स को स्थानीय मुद्दों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो उस लिहाज से वो जो बात थी वो तो दोहराई नहीं जाएगी जी जो लोकसभा के चुनाव में संपन्न हुआ जी। स्थानीय मुद्दे हावी हैं और इस वक्त शहर की जो समस्याएं, जो फरीदाबाद के अंदर इस वक्त जो दौर जिसमें से लोग जी रहे हैं, उन तमाम बातों से अगर देखा जाए एक बड़े नज़रिए से तो सामने ये आता है कि सरकार से खफा भी है लोग। पिछले दिनों शहर की सड़कों का बहुत बुरा हाल था, लगभग सारी सड़कें खोद के डाल दी थी जी, और बहुत लंबे समय तक लोगों को तकलीफ रही और फरीदाबाद के जल भराव, पीने के पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, कूड़े के ढेर, कहने को स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी के नाम से कुछ भी नहीं, नगर निगम के भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले बहुत ज्यादा सब कुछ, और उसमें लोग सरकार को इसलिए लपेटते हैं कि सरकार ने उन लोगों का बचाव किया, बल्कि बचाव ही नहीं किया, उन लोगों को मैदान में उतार दिया। सबसे बड़ी समस्या है तो पार्टी के लिए
जिससे कि लोग खफा हैं, विरोध में हैं। अगर बात करते हैं फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की, जो फरीदाबाद शहरी 5 सीटें, जी सबसे पहले चर्चा करते हैं फरीदाबाद 89 की। जी विपुल गोयल यहाँ पर भाजपा कैंडिडेट हैं, 2014 में उनको टिकट मिला था, विधायक बने थे, चुनाव जीत गए थे, 2019 में उनका टिकट कट गया था जी, अब 2024 में फिर मिल गया। हाँ जी, लखन सिंगला को 2019 में भी टिकट मिला था, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, 19 में चुनाव हार गए थे जी, अब 24 में है जी। जी मुझे लगता है फरीदाबाद का ये जो चुनाव है आमने सामने का चुनाव है। हाँ, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे प्रवेश मेहता। हाँ जी, हमने एक वीडियो में लोगों से जिक्र भी किया था, वो झाड़ू फेंक के चले गए, झाड़ू फेंक करके और चले गए भाजपा की तरफ। हाँ, भाजपा की गोद में जा, भाजपा की गोद में जा बैठे, जैसा कि उन्होंने कई बार पीछे भी किया है। कई बार करते रहे, कई बार करते हैं, वो आदि है इस बात के, नई बात नहीं है। हाँ नहीं नहीं है उनके लिए, वो आदि है। हाँ, ऐसा करने के, ठीक है चले। कभी वो पुतले फूंकते थे कृष्ण बाल को, चले जाते थे, हो गए, आगे चले। तो अब इन दोनों कैंडिडेट्स में चुनाव क्या समझ के चले, लखन सिंगला और विपुल गोयल? देखिए वहाँ चुनाव दोनों कैंडिडेट्स के बीच में भी है और दोनों दलों के बीच में भी है जी। शहरी सीट है ये बिल्कुल, देहात का इसमें कोई वो नहीं है। शहरी मतदाता नेचुरल है कि वो, मैंने जैसे शुरू में कहा कि उनका झुकाव, देहात इसमें सिंह गांव है, वो शहर का हिस्सा है, उसको देहात नहीं इसलिए मानते कि वो नगर निगम में है। चलिए अदरवाइज तो देहात तो है इसमें, कुछ कॉलोनियां भी हैं, कॉलोनी इंदिरा कॉलोनी है, कई है इसमें, भारत कॉलोनी है। एनी हाउ फिर भी इसको चूंकि नगर निगम में है तो इसलिए शहरी क्षेत्र मानते हैं। तो वहाँ पे शहरी क्षेत्र होने के नाते मतदाताओं का रुझान भाजपा की तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे विपुल गोयल के बारे में आपने कहा कि 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा, विधायक बने, कुछ अरसे के बाद जोड़ तोड़ करके वो मंत्री भी बने, मंत्री बनने के बाद उनमें एक ख्वाहिश जागी कि मैं यही क्यों बन जाऊँ, यही क्यों रुकूँ, मैं और आगे क्यों ना एक और सीढ़ी क्यों ना चढ़ूँ, मुख्यमंत्री की दौड़ में अपने आप को शामिल कर लिया, जो उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। दिब्बे जी चले थे चौबे बनने, दुबे बन के लौटे, दुबे बन गए, उनको टिकट नहीं मिला, टिकट काट दी गई और वो पिछले 5 साल बैकफुट पर चले गए। अब फिर पार्टी ने नरेंद्र गुप्ता का टिकट बदल कर उनको टिकट थमा दी। वो जो चुनाव लड़ते हैं विपुल गोयल, या चुनाव के बाद भी जो उनका एक वो जो है ना एक काम करने का कार्यशैली, वो बड़ी अजीबोगरीब है। वो मतलब ड्रामेबाजी और ढकोसले और जगराते और इधर उधर इन बातों में, मैं आपको बताऊं सुरजेवाला साहब, दो कैंडिडेट हैं। हाँ आप भी बता रहे थे कि मुकाबला पार्टियों का भी और कैंडिडेट्स का भी है। दोनों कैंडिडेट के लिए लोग कहते हैं जी कि दोनों दिखावेपन में, हाँ दोनों छलावेपन में जी, दोनों ड्रामेपन में, हाँ दोनों इन सब बातों में एक दूसरे से बढ़कर, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। विपुल गोयल का एक वीडियो देख रहा था एक सोशल मीडिया पर आज जी, शॉर्ट था वो, हाँ फेसबुक पे डाला हुआ था किसी ने जी। उसके अंदर विपुल गोयल कह रहे थे कि गरीबी का दर्द मैंने बड़े पास से देखा है। हाँ इसमें तो कोई दोराय भी नहीं है। देखो इन्होंने इतने साल तक जो है ना गरीबी को झेला है, अखबार बेचे हैं और बहुत नीचे सतह से उठकर, अब वो न जाने का क्या ऐसा मंत्र इनके पास आया कि इतना कुछ जो मतलब ताम झाम और क्या कहें उसको, इतनी सफाई से नेता बात कह जाते हैं कि बात भी शर्मा जाए जी। जब गरीबी की बात करते हैं तो गरीबी भी शर्मा जाए। हाँ ये भैया मेरे क्यों मजाक उड़ा रहे हो मेरा इतना, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो मजाक उड़ने के लिए मैं खुद ही बहुत हूँ। हाँ एक गरीब जो शब्द है ना, गरीब नाम जो जी, ये बेचारगी का या किसी के लिए उसका उसको पिछड़ेपन का उसको भुलाने के लिए करते हैं ये लोग। और मैं एक अधिकारी का नाम नहीं लूंगा, एक अधिकारी थे बड़े ऊंचे दर्जे के अधिकारी हैं जी, वो हर जगह अपने कहा करते थे जी कि मैं तो जी गरीब था जी, मैं तो गरीब था जी। तो एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप तो बहुत बड़े हो गए, कब तक गरीब बने रहोगे जी। ये सब कुछ चुनाव के दौरान में आना, वही जो बात आपकी चल रही थी दिखावे में, छलावे में, बहकावे में, इन सब में, हाँ माहिर दोनों 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 जी, दोनों जी जी जी, जनता के सामने है भी दोनों ये। हाँ जी विकल्प कोई नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। हाँ ठीक है, विकल्प छूटा ही नहीं। हाँ हाँ ठीक है। तो
क्या मान के चलें, क्या चुनाव है फरीदाबाद? अच्छा, एक फैक्टर और है ओल्ड फरीदाबाद की सीट पे जी। फरीदाबाद 89 पे कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल दो बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, ठीक है, अब फिर शायद है नहीं, वो गांठ रहीम का धागा, वही कह रहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, गांठ पड़ जाए, गांठ वांठ गांठ आज भी है, गांठ आज भी है। कहने को ठीक है, हाथ मिले दिल नहीं मिले, क्या जो भी है गांठ जरूर है, गांठ जरूर है। हाँ, तो वो गांठ कहीं लग तो नहीं जाएगी, कहीं दिक्कत तो नहीं देगी? थोड़ा बहुत तो कर रही है और करेगी। अच्छा, हाँ, अपना प्रभाव तो डालती है गांठ, कहीं रड़कती है, कहीं चुभती है गांठ, बिल्कुल जहां भी आ जाए। वो डॉक्टर कहते हैं तुरंत ऑपरेशन करो, तुरंत निकालो, हाँ, कहीं एक नासूर ना बन जाए, नासूर, कहीं कैंसर ना बन जाए। ठीक है बात आपकी, तो वो तो, पर ये तो गांठ निकलने वाली भी नहीं है ना, ये तो नहीं निकलने वाली, लेकिन लोग निकाल दे तो भले निकाल दे, वो अलग चीज है। बट एनी हाउ, फिर भी जी, अब देखना ये है कि दोनों में से कौन ज्यादा कलाकारी दिखाता है, उसके ऊपर निर्भर करता है चुनाव। आप जो बता रहे थे शहरी सीट है, मैंने जो यहाँ का थोड़ा सा आकलन किया है, यहाँ का वोट शेयर भी देखा है जो, जी पंजाबी जी, ब्राह्मण जी, बनिया अगर वैश्य अग्रवाल, हाँ हाँ, यानी कि नंबर एक पे पंजाबी मतदाता है जी, वैश्य अग्रवाल मतदाता है जी, जी ब्राह्मण मतदाता है जी, जी राजपूत, सारे मिले जुला है यहाँ पे, झुग्गी वाला एरिया भी है, कॉलोनियों वाला एरिया भी है, मिश्रित है, मुस्लिम मतदाता भी यहाँ पे, सेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, 18-20,000 मुस्लिम मतदाता भी है, ये शहर का पॉश एरिया भी है, हाँ पॉश भी और स्लम भी है जी। इस सबको देख करके अगर लें जी, तो फाइनल रिजल्ट क्या दे रहे हम लोगों को? मैंने बताया ना, जो ज्यादा कलाकारी दिखा देगा वो चुनाव जीत जाएगा। कांटे की टक्कर है, हाँ, जो ज्यादा कलाकारी, लेकिन टक्कर कांटे की है नहीं, टक्कर कांटे की है, लेकिन ज्यादा बड़े कलाकार विपुल गोयल नजर आते हैं, ज्यादा बड़ा जो कलाकार, एक वो एक ना वो आता था, जो खवैया वही गवैया, हाँ, या जो कलाकार ज्यादा कर लेगा, चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि राजनीति जो है ये तमाशा है जी, जिसकी डुगडुगी में ज्यादा वजन होगा वो उसकी बार इधर से भी उधर से दोनों तरफ से, दोनों तरफ डमरू से बजेगा, हाँ वो आगे निकल जाएगा। तो मतलब डमरू आपको लगता है कि विपुल गोयल का ज्यादा बच सकता है? हाँ लगता है, वो कलाकारी में ज्यादा माहिर है, तो हो सकता है वो सीट उनके पक्ष में चली जाए। बात 89 को लेकर सुरजेवाला साहब का मत है, मेरा मत भी यही है कि जो ज्यादा कलाकारी कर लेगा वो आगे होगा, और इस कलाकारी में विपुल गोयल को माहिर कह रहे हैं सुरजेवाला साहब भी, और मैं भी इनसे सहमत हूँ, तो विपुल गोयल को जाए, हाँ लगता है सही है। आज के दिन, आज के दिन में जो चुनावी मुकाबला है उसमें विपुल गोयल कई कारण है, उसके पीछे धन बल और बहुत सी चीजें जिनको कि हम दर्शकों, कृष्णपाल गुर्जर भी एक फैक्टर होंगे, वो कितना बड़ा फैक्टर होंगे ये पता लगेगा मतदान के दिन भी। हालांकि हवाएं अपने अपने संकेत दे रही हैं, आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। अगली विधानसभा की बात कर लेते हैं जी, फरीदाबाद की सीट नंबर 90 तिगांव विधानसभा जी, राजेश नागर यहाँ से विधायक है जी, 2009 में कृष्णपाल गुर्जर विधायक थे, 2014 में ललित नागर विधायक बने, 2019 में राजेश नागर विधायक जी। राजेश नागर के पास तीसरी बार भाजपा का टिकट है, हाँ जी, ललित नागर चौथी बार लेने की तैयारी में थे, उनको टिकट कांग्रेस ने दिया ही नहीं, ठीक बात। 2009 में ललित नागर कैंडिडेट थे, 14 में थे, 19 में थे कांग्रेसी कैंडिडेट जी, हाँ जी, और अब इंडिपेंडेंट मैदान में है जी। कांग्रेस के कैंडिडेट जो हैं उनका नाम है मिस्टर रोहित नागर, श्रीमान यशपाल नागर यहाँ के नेता रहे हैं, या नेता कह दो, नेता है, हवाई नेता, चलिए हवाई नेता, यशपाल नागर के बेटे हैं रोहित नागर, हाँ, ललित नागर, राजेश नागर, तीनों नागर, एक यहाँ पर गिरिराज शर्मा भी खड़े हुए इंडिपेंडेंट जी, एक बार वो BSP से चुनाव लड़े थे, हाँ, और वोट ठीक ठाक ले गए थे जी, ब्राह्मण मतदाता भी काफी संख्या में है, हाँ नहीं है, नागरों में मत मुकाबला माने, तीनों नागरों में क्या दो के बीच, दो के इंडिपेंडेंट ललित नागर और राजेश नागर भाजपा, तो रोहित नागर की चर्चा ना करें, वो काफी पीछे, काफी पीछे है, जैसे मैंने बताया नहीं, वो हवाई नेता, देखिए पहले दिन जिस दिन ये टिकट मिला और उसी दिन लोगों को बड़ा अटपटा सा लगा कि ये क्या हुआ, लोगों की समझ ये थी कि ललित नागर को टिकट मिलेगा, लेकिन कुछ कारण रहे, एक कारण भी रहे,
एक कारण तो लोग ये भी कहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने पार्टी का साथ नहीं दिया, 24 में ना उन्होंने पार्टी का साथ नहीं दिया खुलकर। लोग तो पर्दे के पीछे कुछ और रोल उनका बताते हैं, भूमिका, जिस वजह से उनका पार्टी का टिकट कटा। कुछ और भी कारण हो सकता है, चलो, वरना तो वो दमदार नेता था। ललित नागर की पोजीशन बहुत अच्छी होती अगर टिकट मिलता, सीट उनके पक्ष में जाती, लेकिन चूंकि अब टिकट नहीं है, कुछ जनता का टिकट है, वो जनता का तो कहिए या उनका अपना प्रभाव है, ये भी ठीक है। कितना प्रभावी रहेगा वो टिकट जो जिस मुकाबले में है? मुकाबले में बिल्कुल, मुकाबला राजेश नागर ललित नागर में जी, कांटे का या कैसा लगता है? राजेश नागर का ऑन एज है, अपर हैंड, अपर हैंड है राजेश नागर का। कारण बड़ा सीधा है ना, कि कांग्रेस का टिकट ना मिलना और रोहित नागर जो है वो कांग्रेस की टिकट लेने के बाद वो ललित नागर का ही वोट बैंक में सेंध लगेगी, जितनी भी लगेगी, जो भी लगी है टोटल, तो वो उनको सेटबैक ललित को। मुझे लगता है रोहित नागर के पास तो शायद जमानत बचाने लायक ही वोट बचे, हो सकता है, लेकिन फिर भी डैमेज तो इतना ही हार जीत का अंतर हो जाता है। जमानत बचाने के लिए भी तिगांव में अच्छी खासी वोट चाहिए, चाहिए बड़ा, बहुत बड़ा हल्का है, बिल्कुल 4 लाख के आसपास वोट का हल्का है, 4.25 लाख है, 3,72,000 समथिंग है, 4.25 लाख वोट है। अगर 3 लाख वोट पड़ती हैं जी तो छठा हिस्सा 3 लाख का 50,000 समथिंग, 50,000 जी, तो वही जमानत बचाने के लिए भी बड़ा पूरा स्ट्रगल है, पूरा संघर्ष, खैर मुश्किल। कितनी बड़ी फाइट माने हम राजेश और ललित नागर की? राजेश नागर के साथ एक चीज है, उनका स्वभाव जो है बड़ा सौम्य है, ठीक है। ललित का भी स्वभाव तो ठीक है, कैंडिडेट में कोई वो नहीं है, दोनों में, हाँ दोनों ठीक है, ललित भी अपने उसमें, राजेश भी ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई अटपटा सा स्वभाव का हो, दोनों ठीक है उस हिसाब से, कैंडिडेट की कोई चॉइस नहीं रहेगी वहाँ। तो मुकाबला राजेश और ललित में, बिल्कुल एज ललित को, राजेश को, राजेश को कितना डिफरेंस समझे दोनों में, क्या लगता है आपको? 55-45 तो है ही, मतलब कंफर्ट जोन में है अभी राजेश नागर आज के दिन। राजेश नागर तिगांव विधानसभा में, अगर ललित नागर के पास टिकट होता तो मुकाबला कुछ और होता। अच्छा, तिगांव में भी कृष्णपाल गुर्जर फैक्टर है बड़ा, उलट हो, हाँ है। अभी आपने कहा कि वो लोकसभा चुनाव में ललित नागर को लेकर के बात चली थी जी, अट्टापट्टी हो सकती, हाँ है, अंदर खाने से है, इस चुनाव में नहीं, पिछले लगभग दोनों तीनों चुनाव में रही है, ये जो आप कह रहे हो मेरे मुंह से कलवाना चाह रहे हैं, ये तीनों चुनाव में रही है, आज भी है। अच्छा, पिछले चुनाव में तो यहाँ तक हुआ कि केंद्रीय नेतृत्व ने धमकी इतनी जबरदस्त दी कि एक बार काफी, तो मतलब तिगांव को मानने की बहुत कांटे की फाइट है, 55-45 तो कांटे के चुनाव में आ अच्छा मुकाबला है, 5% जहाँ डगा नहीं वही चुनाव तो गया बिल्कुल, ठीक है। तो राजेश नागर को ऐसे, राजेश नागर आगे हैं और चुनाव मुकाबला अच्छा, वो सीट उनके झोली में जाती नजर आ रही है आज के। तीसरी विधानसभा की बात करते हैं जी, तीसरी विधानसभा है बल्लभगढ़, राजा बल्लू की नगरी, राजा नाहर सिंह की नगरी, ऐतिहासिक नगर, बलराम से भी संपर्क जी, राजा नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह तो जो सुरमा रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी, प्रधानमंत्री मोदी आए थे उन्होंने भी कहा था राजा नाहर सिंह को नमन करता हूँ उनकी धरती पर। मोदी जी की तो बात छोड़ो, वो तो अगली वीडियो गांव में जाएंगे तो मग्गू जी को भी नमन कर देंगे, अगली वीडियो में चर्चा, और आपसे पुराना रिश्ता भी निकलेगा, वो तो वो कहते हैं ना चेतक की माँ गुजराती थी, लेकिन बात राजा नाहर सिंह को की जो है उनका दर्जा इन बातों से कम मत किए, बहुत बड़ा दर्जा उनका, उनको बहुत, राजा नाहर सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया, मुगलों से लोहा लिया, बड़े बिल्कुल दिल्ली का बागडोर भी संभाली, जब बहादुर शाह जफर कैद हो गए थे तो दिल्ली का शासन भी उन्होंने संभाला जी, उनको तो धोखे से जो है ना बॉर्डर पे बुला करके वो उनका वो हुआ। खैर, कुछ कुछ एक सी स्थिति है तिगांव और बल्लभगढ़ की। तिगांव में रोहित नागर टिकट ले आए रोहित बाबू जी, तो यहाँ पराग मैडम टिकट लेके आई कांग्रेस की, पराग शर्मा जी, योगेश शर्मा एक्सएमएलए हुआ करते थे 1987 में जी, और उनकी पुत्री है, वो कांग्रेस की टिकट ले आई जी,
शारदा राठौर देखती रह गई। तीसरा चुनाव, दो चुनाव उनके उन्होंने स्किप कर दिए थे, लड़े नहीं थे। तीसरे चुनाव में उन्होंने कहा कि कितना इंतजार, इसलिए वो आ गई निर्दलीय मैदान में। हाँ जी, पंडित मूलचंद शर्मा जी हरियाणा के उद्योग मंत्री, पिछली बार विपुल गोयल उद्योग मंत्री थे जी, अब की बार उद्योग मंत्री विपुल गोयल है, ये मूलचंद शर्मा है। मूलचंद और शारदा इनके बीच में पराग शर्मा जी, एक कैंडिडेट और है वहाँ पर राव राम कुमार जी, बाकी तो कैंडिडेट और भी होंगे, आम आदमी पार्टी के रविंद्र फौजदार भी हैं, हाँ है। लेकिन मुकाबला तो दो के बीच ही है, कांग्रेस और बीजेपी में, कांग्रेस नहीं इंडिपेंडेंट और बीजेपी में, शारदा मूलचंद और शारदा राठौर में और मूलचंद के बीच। पराग शर्मा क्या करेंगी? पराग शर्मा ठीक है, वो नई कैंडिडेट है। मूलचंद शर्मा की पोती लिख रहे हैं कई लोग, वैसे पोती कैसे बनी? सतपुरा गांव की है उनके की? एक ही गांव से है, और मूलचंद कभी इनके जो पराग के पिताजी योगेश शर्मा जो विधायक रहे उस वक्त, मूलचंद उनके बतौर सहायक काम किया, उनके पीए रहे, तो उनके परिवार से है इसमें, तो वो सतपुरा गांव है। पोती कह रहे हैं, मुझे पोती नहीं दिसता। योगेश जी के साथ में मूलचंद जी थे, तो लगभग रिश्ते में चाचा तो कह सकते हैं भाई। नहीं नहीं भाई, रिश्ते कोई उम्र से थोड़े ही होते गांव में। अच्छा, गांव में रिश्ते उम्र से कहीं भी नहीं होते, गांव में होते। 10 साल का बच्चा दादा हो सकता है और 50 साल का आदमी उसका पोता हो सकता है। ठीक बात है, बहुत है, बड़े बड़े खानदानों में होता है। नहीं नहीं, जहाँ एक पीढ़ी का वो हो जाता है ना, गैप आ जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, वो चला जाता है। ये नहीं है, पराग शर्मा मूलचंद शर्मा को कितना डेंट दे रही होंगी ब्राह्मण वोटर्स में? नहीं, वो मूलचंद को देने के साथ साथ शारदा को भी दे रही है ना। शारदा राठौर चूंकि कांग्रेस से एफिलिएटेड रही, टिकट कांग्रेस से चाह रही थी, उनका वोट बैंक जो था और वो कांग्रेस की टिकट पर लड़ रही है पराग शर्मा, तो ज्यादा तो उनको दे रही है। दादा पोते का तो इसमें कोई है नहीं ना, ये कोई घर की लड़ाई तो है नहीं, ये तो दलों की और वोटर तो डिफरेंट है ना। लोग कहते हैं अगर शारदा राठौर के पास कांग्रेस की टिकट होता जी तो पंडित जी को आराम करवा देती, वो पटक नहीं देती, आराम करवा देती। हाँ, बिल्कुल। अब क्या लग रहा है? अब ऐसा है ना कि उनको टिकट ना होने के कारण उनको एक सेटबैक, दो बात रही उनकी टिकट के पीछे, एक तो ये रही कि शारदा राठौर उन्होंने अपना जो कहते हैं ना ठैया, अपना ठिकाना वो बदल लिया। 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, कांग्रेस को 14 के चुनाव में भी उनकी बड़ी गड़बड़ थी एक जी, वो भाजपा हेडक्वार्टर गई जी, वहाँ खूब उनकी मीटिंग शीटिंग ये सब कुछ हुआ और फिर वो वापस आ गई जी, टिकी रही जी। अब ये होता ये है कि या तो चले जाए सीधे, हाँ, या रुक जाए जी, ये जाना और फिर यू टर्न लेना, फिर यू टर्न, फिर यू टर्न, ये खराब कर जाता है। 19 गोल बोल जो घूमना हो जाता है। 19 के चुनाव में उन्होंने उम्मीद रखी कि राजनाथ से संपर्क साधा, हाँ, राजनाथ मनोहर लाल जी के सानिध्य में ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी। लेकिन पलवल में उनको जो आस थी वो राजनाथ जी से, उनको लगता था टिकट मिल जाएगी, टिकट भी वहां से टिकट मिल जाएगी और पार्टी में मिल जाएगा, वो भी नहीं मिला। तो दो बार चुनाव ना लड़ना जी, शारदा के पक्ष में या विपक्ष में? विपक्ष में ही है, वोटर खिसक जाता है, कार्यकर्ता खिसक जाता है, सिंपैथी मिल जाती है, सहानुभूति थोड़ी सी? नहीं, ऐसी कोई सिंपैथी नहीं मिलती, बल्कि नुकसान ही होता है। अब वो जब उन्होंने अपना पार्टी बदली और फिर वो टिकी रही और कोई फैसला नहीं ले पाई भाई, 2019 से लेकर के 22 तक 3 साल आप लचर पचर रहे और फिर आपने पार्टी 23 में जाके ज्वाइन करी और समय थोड़ा था और इस तरह, इस वजह से भी उनका टिकट कहते हैं। बल्लभगढ़ में कोई गांव तो है नहीं, गांव अगर कहे तो वही जैसा आपने तिगांव का जिक्र, ऊंचा गांव है, मुजेसर है, सारण है, गांव तो है, बट ये शहर के गांव है, ये नगर निगम के। मुकाबला कैसा लग रहा है बल्लभगढ़ में? मुकाबला ठीक है, अच्छा है। एक बार तो ऐसा हो रहा था कि मुकाबला बिल्कुल कांटे का आ गया है, लेकिन भाजपा का चूँकि शहरी है इलाका, भाजपा का वोटर इंटैक्ट है, कई चीज़ें हैं। मूलचंद के साथ 3 बातें पीछे हैं जी, एक मूलचंद शर्मा के एक
भाजपा के कार्यकर्ता मेरे पास बैठे हुए थे 3 दिन पहले जी, बल्लभगढ़ के ही हैं जी। तो कहने लगे जी मूलचंद शर्मा प्राउड ही बहुत हो गए नेशन में, कहने लगे बर्थडे पे उनके जन्मदिन पे बुके लेके गया था जी, तो उनको बुके लेने में भी जोर पड़ रहा था। ये बिल्कुल दुरुस्त, बार बार हल्के में इलाके में आम धारणा है, आम बात है कि उनमें एक गरूर जिसको कहते हैं वो नजाने क्यों पैदा हो गया, पता नहीं क्यों बहुत ऊंचे लेवल पर। अच्छा, अपने आप को वो हरियाणा के मेरे ख्याल बहुत बड़े बड़े से नेताओं से भी अपने आप को बहुत ऊपर समझने लगे, जबकि ऐसा कुछ भाई धरातल से आए हैं आप, धरती पुत्र थे आप, आपने ऐसा क्या मतलब हासिल कर लिया। मुझे लगा भी बहुत चेंज आया 2019 और 2024 के बीच में, बहुत ज्यादा गरूर आया है। और काम की भी जहां तक है कि नगर निगम के घपले घोटाले, वही दूसरा वही कह रहा था, दूसरा जो भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी है ना, उनका खुल्लम खुल्ला उन्होंने सपोर्ट करना सपोर्ट किया, जातवादी के ऊपर भी उन्होंने। उधर नीरज शर्मा ने जो उन पे ब्लेम लगाई वो सही थे, वो भी बहुत मायने रख गए उसके अंदर भी, वो सही थे। अब आपने खंडन क्यों नहीं किया, तीसरा लोगों को बचाव क्यों किया, तीसरा फैक्टर उनका, अरे 200 करोड़ के जो घपले हुए जो उनमें अधिकारी सलीम, फिर उसके बाद एक 50-60 और हुआ है, 50-60 वाला और हुआ, फिर एक तो 600 करोड़ से ऊपर गया। चलो वो मतलब उनमें जो भूमिका उनकी रही वो संदिग्ध बना दी लोगों ने। इसके अलावा जो वहाँ कर्मचारी थे अधिकारी थे गलत तरीके के, उनको सपोर्ट करना, इसकी तीसरी चीज एक और है, और जनता से कई बार बिरादरी के अधिकारी को गलत को भी सपोर्ट करना, वो तो नॉर्मल हो गया, जनता से डिस्टेंस, ये सारी बातें हैं, ये तीन चीजें हैं। बिल्कुल, कितना नुकसान दे सकती हैं क्या, नहीं नुकसान तो उनको ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये जो परिवेश में बदला, ये जो टिकट का हुआ और शहरी सीट, ये उनको नैया को, आरएसएस के वर्कर बहुत हैं बल्लभगढ़ में जी, लेकिन आरएसएस के वर्कर कई बार ये कहते सुना है कि वो कहते हैं जी पार्टी के नाते हम अपनी भूमिका तो निभा रहे हैं, लेकिन हम मन से दिल से लोगों को प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि भाई वोट डालें। क्या रहेगा चुनाव परिणाम, क्या लगता है परिणाम, कांटे की टक्कर हो सकती है जैसा चल रहा है बाकी। अभी हमने बताया कि एक बार 20 बार कांटे की है, आज आपको लगता है कि एज मूलचंद है थोड़ा सा एज जा सकता है, शहरी सीट और भाजपा की प्लस बीजेपी की छवि के कारण, मूलचंद के कारण नहीं। हाँ, एक और भी था जैसे आपने कहा ना कि वो वर्कर इनके भाई थे उनका भी बड़ा दखल, टीपरचंद, हाँ बड़ा बराबर दखल, सुपर मिनिस्टर, मतलब इतना एक तरफ आप कोसते हो भी सोनिया गांधी परिवारवाद है, वो सोनिया कौन थी सरकार में उनका क्या वो था दखल, अरे यहाँ तो नारियल भी फोड़े गए, ये तो रिबन भी काटे गए, ये तो यहाँ तो, तक कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी वो इस तरह से, ये तो वो है हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने नहीं, के नहीं, ये तो बल्कि दांत ही दूसरे थे यहाँ तो। चलिए बल्लभगढ़ एज आप कह रहे हैं मूलचंद शर्मा को फिर भी जा सकता है, जा सकता है, बस उसी मुकाबला तगड़ा है, शहरी सीट प्लस बीजेपी ये फैक्टर होकर के ये फैक्टर है, अदरवाइज तो शारदा भारी पड़ रही है। अगली विधानसभा की बात, दो दिन है देखिए, हाँ ये कहते हैं 72 घंटे कांटे की रात वो होती है, वो कत्ल की रात कहते हैं, वो 3 और 4 तारीख की जो रात आई है ना, 3 और 4 की जो रात होती है वो कत्ल की रात, क्या रुख अपनाती है जनता, चुनाव तो बड़ा चल, ये इनका ये जो गरूर उसको तोड़ती है, तमाम चलेगा वो सब लेन देन उठना बैठना साड़ी दारू ये वो सब चले, बल्लभगढ़ एज मूलचंद को बिल्कुल। चौथी विधानसभा बड़खल जी, विजय प्रताप आपकी विधानसभा जी, विजय प्रताप कैंडिडेट है कांग्रेस के और धनेश अतलखा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है बीच में और कोई कैंडिडेट है नहीं, नहीं होंगे मुकाबला दो, उनका कोई मुकाबला दो के बीच, इन दोनों में चुनाव है, ये तो ओपी वर्मा एक आम आदमी पार्टी के, मैं देख रहा था एक बोर्ड चल रहा था, एक दो और भी नाम देख रहा था, बट है मुख्य रूप से यही दोनों कैंडिडेट बिल्कुल सीधा सीधा जी। महेंद्र प्रताप जी चुनाव लड़े लोकसभा का, हाँ जी अभी 4 महीने पहले लगे, बड़खल विधानसभा में महेंद्र प्रताप जी लूज कर गए, ठीक है, जो उनकी पेरेंटल अपनी विधानसभा सीट है जी, कह रहे हैं बीजेपी ने पंजाबी कार्ड खेल दिया, धनेश अदलखा को खड़ा कर दिया, धनेश अदलखा जो उनका विधानसभा क्षेत्र बड़खल भी नहीं है, फरीदाबाद 89 जी, लेकिन उनको भेजा बड़खल और पंजाबी कार्ड कह दिया, पंजाबी कार्ड खेला ट्रंप कार्ड बीजेपी का,
अरे एक चीज कार्ड क्या खेला, उससे पहले शिवा त्रिखा जी वो पंजाबी है, वो भी तो त्रिखा जी भी तो पंजाबी। अभी कह देंगे ना खत्री अरोड़ा दिया है पहले वो पंजाबी। यो तो पता नहीं अरोड़ा खत्री दिया है या नागपाल खत्री दिया है या चल मैं और बता रहा था लखा दिया है या कौड़ा लखा दिया है। आधी आधी बात रखी, पूरी कर लेते हैं इसको ना। जो बीजेपी वाली बात आ रही है पंजाबी कार्ड की, मुझे लगता है इसकी काट है जी। मैं विजय प्रताप जी के तमाम जितने भी फ्लैक्स होर्डिंग बोर्ड मैं समझ रहा हूँ आपका क्या आशय क्या है। रेणुका धर्मपत्नी रेणुका वो पंजाबी स्वभाव की लड़की है, बहुत नहीं अच्छी लड़की है वो, और पंजाबी समुदाय से है और शहर के लोग इस बात को मानते हैं कि हमारी बेटी है वो, और पिछले चुनाव में भी उस बेटी ने अच्छा अपनी भूमिका अदा की थी, और पिछला जो विधानसभा का चुनाव था उसमें विजय प्रताप बहुत ही थोड़े मार्जिन से विधानसभा में शहर से, एक बात है वो एनआईटी के क्षेत्र से जीत कर निकले थे अनंतपुर और लखनपुर में जाकर के, जो कि गुज्जर समुदाय के गांव थे। कृष्णपाल गुजर ने वहां पर विधानसभा को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ, बता रहा हूँ ना, लखनपुर और अनंतपुर में जाकर के वो जो लूज किया वो खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। कृष्णपाल गुजर जी कह रहे हैं कि एक बेटा मेरे देवेंद्र है और दूसरा बेटा धनेश है। कमाऊ बेटा है, ठीक है वो, चलो बेटा तो बेटा, वो बायोलॉजिकल है, ये कमाऊ बेटा है, ठीक है बेटा तो बेटा है, बेटा बेटा ही है, बल्कि ये ज्यादा प्यारा है। बेटे को हमेशा कमाऊ पूती कहा जाता है सर। हाँ कमाऊ होगा तभी बेटा होगा, वरना तो भाई, तो वो उसके लिए पूरा जोर लगा रखा उन्होंने, प्रतिष्ठा का सवाल है। वो कह रहे हैं बड़खल विधानसभा जीत के दिखाएंगे, यो लोकसभा जीत भी ली थी। नहीं लोकसभा में कुछ और मुद्दे थे, आपने पहले ही कह दिया विधानसभा पे आते हैं। यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं जो वो कह रहे हैं प्रतिष्ठा का सवाल है, यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं। उनकी प्रतिष्ठा तो कई बार तो मोदी जी की भी प्रतिष्ठा का सवाल है जो हार रहे हैं। जिस क्षेत्र में कल मोदी जी गए थे पृथला विधानसभा क्षेत्र, क्या वहाँ पे मोदी जी ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाया? वहाँ क्या वो जीत दर्ज करेंगे? हार रहे हैं वहाँ तो कह रहे हैं जीत रही है बीजेपी, वो तो क्या कह रहे हैं वो तो जनता बताएगी। मोदी जी पे अगली वीडियो में चर्चा करूंगा आपसे, मैं बहुत सारी बातें वो अभी तो जनता बताएगी अभी इसी पे। अब कृष्ण पाल जी के कहने से चुनाव के लखनपुर गांव ने अनंतपुर गांव ने पहले भी हरा दिया जी, अब क्या गारंटी है? नहीं कृष्णपाल गुजर को कम नहीं आप मान सकते, फिजा बदली हुई है, कृष्णपाल गुजर के प्रभाव को भी आप कम नहीं आंक सकते। इस बार बहुत कम होगा, गुजर मतदाताओं में पूरी पकड़ है उनकी अभी नहीं। पकड़ तो महेंद्र प्रताप जी की ज्यादा थी, पुराने थे वो नेता, पर उन्होंने बात सुनिए, उनकी पकड़ में बहुत अंतर आ गया है। हाँ। पिछली बार वो केंद्र में मंत्री थे, डबल इंजन की सरकार थी, लोगों को नजर आ रहा था कि भाजपा 75 पार का नारा था कि 52-50 सीट तो लेगी और सरकार बनाएगी, आम आदमी को धारणा थी, चालीस से बनी लोगों का ये था। इस बार ये बिल्कुल नहीं है, इस बार ये है कि सरकार तो परिवर्तन होगा, तो वो उनका वो जो है ना आप कह रहे हैं उनका प्रभाव वो नहीं चलने वाला। क्या माने बड़खल में कैसा मुकाबला है? कांग्रेस काफी आगे, काफी आगे। कितना टक्कर दे रहे हैं धनेश अद्दलखा? धनेश अद्दलखा के बारे में जैसा आपने कहा ना, उनके पुत्र हैं, खट्टर साहब के भी पुत्र हैं वो। पीछे भी एक चर्चा में हमने जिक्र किया था कि उनको फरीदाबाद से उठा करके यहाँ के भी पंजाबी कार्ड खेल के, पंजाबी तो सीमा त्रिखा भी थी, महिला भी थी, इतना विरोध उनका नहीं था सीमा त्रिखा जी का, पिछले चुनाव में उनका विरोध तो था ही नहीं। दिनेश अद्दलखा के बारे में तो आम आदमी को ये है कि जहाँ तक आता है नगर निगम का सवाल, घपले घोटाले, सीधा सीधा फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन, फार्मेसी काउंसिल के जो है चेयरमैन थे, उसमें जो लाइसेंस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लोगों की गिरफ्तारी हुई, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने FIR दर्ज करवाई, जो अभी भी मामला कोर्ट के विचाराधीन है। डिप्रेशन में दिया उन्होंने अपने में। नहीं विचाराधीन है, देना पड़ेगा, वो तो दिया उन्होंने एफिडेविट में, वो तो सरकार का प्रभाव है। ये एक बात तो थी खट्टर साहब की कि वो अपने आदमी को बुरी तरह से उसका बचाव करते रहे, पर उन्होंने किया। मुकाबला कैसा माने इन दोनों में? मुकाबला ढीला है, वो सारी बातें लोगों को जहन में है, मतलब
दिनेश अदलक्का के बारे में ये है कि भी उनका जो चरित्र रहा है, जो उनका भ्रष्टाचार में संलिप्तता रही है, वो लोग हर किसी को मालूम है। मतलब विजय प्रताप को आप वो उनको नहीं बचा पाएंगे कृष्ण पाल जी, उनके ऊपर दाग है इस चीज का। विजय प्रताप को एज है, बिल्कुल एज है, आगे हैं, बिल्कुल काफी आगे। कितने अच्छे भिड़ंत माले, 60-40 65 और 35, लंबा मुकाबला है, लंबा। अगर मैं ये कहूँ फरीदाबाद जिले में अगर कोई ज्यादा लीड या कंफर्टेबल है तो वो बड़खल की सीट। चलिए, तो आपने तो सीधा सीधा सर्टिफिकेट दे दिया उनको चंडीगढ़ का। सर्टिफिकेट तो आरओ देंगे, अमित मान है यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर जो बड़खल के, वो देंगे एसडीएम। अच्छा, आपने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया चंडीगढ़। हाँ, हरी झंडी दे दी। हमने जो जनता का रवैया है वो बताया है। पांचवी विधानसभा, 5 तारीख को मतदाता दे, 5वीं विधानसभा सीट फरीदाबाद एनआईटी, या मतदाता या एसपी फरीदाबाद एनआईटी जी। बड़ी चर्चा थी कि कृष्णपाल गुर्जर जी के बेटे देवेंद्र चौधरी को टिकट मिलेगा, चुनाव लड़े जी। आना जाना, उठना बैठना, चलना फिरना सब चल भी रहा था। नगेंद्र भड़ाना का बड़ा तेज नाम था, नगेंद्र भड़ाना की चर्चा बड़ी थी, उनको टिकट मिल सकती है जी जी। देवेंद्र चौधरी को टिकट मिला नहीं, नगेंद्र भड़ाना को टिकट मिला नहीं, टिकट मिला है सतीश फागना को जी, नगर निगम के पार्षद रहे हैं जी। घर में 2 पार्षद शायद उनके भाई का परिवार में एक और भी पार्षद कोई और भी है। इनके पिताजी थे जिले सिंह, जिले सिंह पहले नगर निगम में ही वो नौकरी करते थे। अच्छा, जिले सिंह तो उनके भाकरी गांव से है, भाकरी गांव से है जी। बीजेपी से कैंडिडेट है सतीश फागना जी, कांग्रेस से कैंडिडेट है नीरज शर्मा जी। पूरे 5 साल चर्चा में रहे, कभी चप्पल पहन के, कभी चप्पल उतार के, कभी कपड़े, कभी विधानसभा में अखबार लपेट के, कफन पहन के, कभी पानीपत में भी के, कभी कुछ मैंने, और वो आपने ना ओल्ड फरीदाबाद में कहा था कलाकार, नीरज शर्मा नंबर वन कलाकार बता दिया आपको जी। कलाकारी की बात तो ये, नीरज शर्मा कांग्रेस से कैंडिडेट है, नगेंद्र भड़ाना कैंडिडेट है यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के जी। कोई और तो मुझे लगता नहीं, नहीं। मुकाबले के लिए जी करामत अली है कैंडिडेट जेजेपी के, बड़ी चर्चा में उनकी सुन रहा हूँ कि वो शायद समर्थन दे सकते हैं कांग्रेस को, समर्थन में आ रहे चल पड़ा। आज आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट कांग्रेस के सपोर्ट में चला गया जी जी, एक जेजेपी का कैंडिडेट पानीपत ग्रामीण का चला गया बीजेपी में, वो चल रहा है, तो ये चल रहा है आज और मांडवाली डील ये सब चल पड़ी। नहीं, वो कहते ना पानी में निखार आता है, नितरता है, वो नितार हो रहा है, वो मतलब सेटल होता है पार्टिकल्स। एनआईटी को फरीदाबाद एनआईटी में जी विभिन्नता का शहर है, झुग्गी झोंपड़ी भी है, गांव भी हैं जी, मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है, 45-50 हज़ार वोट लगभग होंगे, बड़े गांव हैं, धोज जैसे गांव हैं बिल्कुल। उत्तराखंड का वोट भी है, पूर्व का वोट भी है, यानी कि पूर्विया वोट भी है जी जी। पुष्कर धामी भी आए थे, योगी आदित्यनाथ भी आ गए, मनोज तिवारी भी आ गए, वो आते रहेंगे उनका, उनके लिए सचिन पायलट भी आ गए, आते रहेंगे, इनका कोई लंबा नहीं है, डुगडुगी बजाने, हाँ वो आते रहते हैं, आएंगे दोनों तरफ से, आया रे आया खिलौने वाला, खेल खिलौने लेके आया रे, यही कह सकते हैं उनको, हाँ वो आते रहते हैं। मुकाबला कैसा है? देखिए, आपने जिक्र किया शुरुआत में कि वहाँ पे कृष्ण पाल जो सांसद है स्थानीय है, वो अपने पुत्र को टिकट, वो तो पुत्र मोह में पिछले, वो पता नहीं चाह रहे थे, उनका नाम था टिकट नहीं, 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 नाम नहीं था, उन्होंने भरसक प्रयत्न किए पिछले 2014 में भी, 19 में भी और इस बार भी। तो भारतीय जो जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, दोनों बार उस की जो चाहना थी, परिवारवाद के खिलाफ है ना, पार्टी विद डिफरेंस। अरे नहीं, परिवारवाद में तो बहुत से लोग हैं, क्या क्या मतलब कृष्ण पाल के बेटे को नहीं, लेकिन इनको इस चाहना को उन्होंने हमेशा कुठाराघात पहुंचा है, इनको ठुकरा दिया हर बार। अब की बार इन्होंने देखा कि राजेश नागर को टिकट नहीं कटवा पाऊं, तो इन्होंने रुख किया, जो कि ये तिगांव से टिकट चाहते थे, इनका क्षेत्र तिगांव में। अब इन्होंने एनआईटी की तरफ रुख कर लिया कि भी हो सकता है वहाँ पे कुछ बन जाए, दाव लग जाए, लेकिन वहाँ भी दाव नहीं लगा, पार्टी ने इस काबिल नहीं समझा। अच्छा होता, ये भ्रम भी मिट जाता, इनका भी मिट जाता और उनका भी मिट जाता, हाँ अच्छा होता ये अगर ऐसा होता तो। वो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं ना, ऐसा होता तो ऐसा होता, वैसा होता तो और अच्छा और होता। अच्छा, चलो चलिए, अब क्या लगता है? अब आ जाती है बात नीरज शर्मा की। नीरज शर्मा के जो पिताजी थे
शिवचरण जी, शिवचरण जी वो दो तीन बार पार्षद रहे, इनकी माता श्री भी पार्षद रही, डिप्टी मेयर रही, भाई भी इनके मुकेश शर्मा भी डिप्टी मेयर रहे, पार्षद रहे और पार्षद रहे। उस जो ये है जोहार कॉलोनी, और वैसे जो इनके पिताजी थे वो यूपी से आकर के यहाँ बसे, लेकिन वहाँ उन लोगों में अच्छा खूब हुए, उन लोगों में उन्होंने अच्छा रसूख बनाया। वो बाहर बैठे रहते थे और लोगों से मिलते रहते थे और इंडिपेंडेंट होकर के उन्होंने चुनाव जीता, मंत्री भी रहे। अब नीरज शर्मा जो थे ये उनकी बात, इन्होंने चुनाव लड़ा, पिछला चुनाव जीत दर्ज की और उसमें इन्होंने देखो मेहनत तो की, किस तरह की मेहनत की वो आपने बताया, पानीपत में भी वो लोग भूपेंद्र हुड्डा जी पुलिस ने रोक लिया था, हमने बहुत लोगों से बात की, वहाँ से लेके आए जो इनका जहाँ पे इनका घर है जी, कुछ मार्केटों में भी जी, कुछ गांवों में भी जी, लोग कहते हैं नीरज शर्मा ने ढकोसले के अलावा कुछ नहीं किया। देखिए करने की बात तो ये विपक्ष में था और विपक्ष का नेता तो आवाज़ ही उठाता है, आवाज़ तो उठाई नीरज ने, लेकिन उनका तरीका क्या था, वो लोगों को पसंद आया या ना आया वो चर्चा की बात। आजकल कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनूंगा, जब आदमी ऐसी बातें बोलता है तो उसे कहीं खतरा होता है, ये भी है। और बड़ बोल जो है नौकरियां कह रहे हैं कि एक बूथ में 50 वोट दिलवा दो नौकरी दूंगा तभी, ये बातें कहते हैं किस नजरिए से कहते हैं, कई बार उसका खामियाजा भी भुगतते हैं। इसी चक्कर में ओम प्रकाश चौटाला, अजय सिंह चौटाला को जेल जाना पड़ गया। वो ठीक है सारी बातें, लेकिन चौटाला साहब तो आज भी कहते हैं 1000 साल भी अगर मेरे को जेल में रहना पड़े, ईश्वर मौका दे उन्हें कोई तो ये काम करे, फिर नौकरी दें, फिर दूंगा, मौका मिले तो। ये तो कंट्रोवर्सी की बात है। क्या इन दोनों में क्या लगे है? लगता है हमको। अब रही नागेंद्र बढ़ाना विधायक रहे, इन दोनों में चुनाव सतीश फागना में, तीनों में किसमें दोनों के बीच है? सतीश फागना में वो भी विरोध तो किया है बेशक हो, लेकिन नहीं मुकाबला दो के बीच है, नागेंद्र और नीरज। नीरज पुराने वाले वही फिर आमने सामने। अब नीरज की बात की तो योगेंद्र की बात करिए, वो इनेलो पार्टी से एमएलए चुने गए, नगेंद्र छोड़ के भाजपा की झोली में जा बैठे, कृष्ण पाल की गोद में जा चढ़े, कृष्ण पाल जी से उम्मीद किए हुए थे दोबारा फिर के भी भाजपा से टिकट मिले, पुत्र मोह में कृष्ण पाल ने उनको ठुकरा दिया, आज वो उनको गाली देते घूम रहे हैं। अब चश्मा पहन रखा है, अब फिर वही इनेलो का टिकट पे आ गए दोबारा, उसी पुराने कहावत है लौट के घर को आए, बुद्धू लौट कर घर को आए। तो उनका भी ये जो इस तरह से जो है यू टर्न, वो भी उनके पक्ष में नहीं जाता खासा, मुकाबला कहते हैं, लेकिन फिर भी एज नीरज शर्मा को है वो सीट निकालने के फाइट की ओर है। सतीश फागना कितनी बड़ी कर सकते हैं इस फाइट को? कम है उनका। अच्छा मतलब आम तिकोना तो है, तिकोना मुकाबला है, तिकोना तो तिकोने मुकाबले में जो भाई भाजपा के टिकट पे है वो बड़ी बात है भाई, यूं तो नहीं उसको दरकिनार कर सकते। तिकोने मुकाबले में नीरज शर्मा नागेंद्र के बीच ज्यादा बड़ी फाइट ज्यादा है, सतीश फागना तिकोना करेंगे, नजर आ रहे हैं वो तीसरा आए दूसरा आए वो बात की बात है, मतलब तिकोना वो कर रहे हैं उसको अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए, और नीरज शर्मा को एज आप कह रहे हैं नीरज शर्मा बिल्कुल बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये है फरीदाबाद की 5 शहरी सीटों का मिजाज, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 पर कांग्रेस। जिन पर भारतीय जनता पार्टी है वो है फरीदाबाद 89, फरीदाबाद शहरी वाली सीट विपुल गोयल, तिगांव राजेश नागर बीजेपी, और इसके साथ बल्लभगढ़ पंडित मूलचंद शर्मा बीजेपी, और 2 कांग्रेस के लिए विजय प्रताप बड़खल और नीरज शर्मा NIT। आप कितना सहमत है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।